मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा आरएलडी के दो विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। तो आज यूपी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर, आरएलडी के दो विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। उससे पहले 11 बजे आज बैठक भी होनी है कैबिनेट की, और उसमें नामों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आज शाम 5 बजे तक माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जो नए मंत्री हैं वो अपनी शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 11 बजे बैठक भी होनी है कैबिनेट को लेकर। देखिए, माना नहीं जा रहा, 5 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम राजभवन में लग चुका है, तो ऐसे में जो संभावनाएं जताई जा रही कि हो सकता है, तो अब तय माना जाए कि कैबिनेट जो है कैबिनेट विस्तार होगा। शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे। उसके साथ ही जो जिनको मंत्री बनाया जाना, चाहे वो दारा सिंह चौहान की बात हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, या चाहे राष्ट्रीय लोकदल के दो विधायकों की बात हो, सभी को इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि आज आपको राजधानी लखनऊ में रहना है। शाम 5 बजे तक जो है वो कैबिनेट विस्तार होगा। लगभग माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में मुख्यमंत्री का आवास से उनके पास फोन भी पहुंच जाएगा कि उनको शाम को 5 बजे शपथ लेनी है। बड़े लंबे समय से कैबिनेट बैठक, माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित था, और अब एक लंबी घड़ी के बाद जो है वो समय आ गया कि जब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मुख्यमंत्री की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से मंत्री वेटिंग थे, और विपक्ष इसको लेकर लगातार मजे भी ले रहा था उनके, तो ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर का वो समय आ गया जब उन्हें मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। दरअसल दो पेश फंसे हुए थे। पहले तो इस बात का पेश फंसा हुआ था कि मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह दिया जाए, राष्ट्रीय लोकदल के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो ऐसे में एक बार ही जो है वो कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो सबसे बड़ा पेश फंस गया राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद, अब तो वो इस बात का फंस गया था कि ओम प्रकाश राजभर 3 से 4 सीटें लोकसभा में मान रहे थे, तो अमित शाह से मुलाकात के बाद ये पार्टी की तरफ से तय कर दिया गया है कि उन्हें 1 सीटें ही मात्र दी जाएंगी, और ऐसे में उनका जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो संभावनाएं थी वो प्रबल हो गई है। ओम प्रकाश राजभर के हरी झंडी देते ही ये माना जाने लगा कि अब जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा। तो आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के कोई दो विधायक, एक को कैबिनेट मंत्री और एक को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। तो जो 5 बजे का विस्तार का संभावनाएं थी वो लगभग कंफर्म हो चुकी है। 5 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। दूसरी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की कैबिनेट की, तो मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक भी आज बुलाई गई, जिसमें वो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम उन एजेंडों पर कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे, जिन्हें आने वाले समय में लागू किया जाना है। सरकार का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जो भी योजनाएं हैं उनकी गति तेजी से हो और समय समय पर नई योजनाओं की शुरू की जाए। तो चाहे उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास की योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जो है जो तमाम जो योजनाएं चल रही है उसमें फंड लोकेशन का मामला हो, सभी मामलों पर कैबिनेट पर फैसला लिया जाएगा। लगभग ये माना जा रहा है कि 1.5 दर्जन प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में रखे जाएंगे। जी ठीक है, निखिल, नजर बना के रखिएगा दोनों ही खबरों पर। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।